अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दले मसर की दाल, और ये मेरी सेकंड डिश है जो मैं अपलोड करूँगा। तो देखें हॉस्टल में कैसे खाना बनाते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी सर्वाइवर करती हैं स्टार्टिंग पे, तो इस चीज़ का जो है वो मुझे आइडिया है, आप लोगों को भी आइडिया होगा इस चीज़ का। तो देखिएगा कैसे बनती है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टार्ट करते हैं। आज जो मैंने बनाना है वो ये है, धुले हुए मसर। पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मुझे अभी तक नहीं पता इस दाल का नाम क्या है। पता नहीं, मैंने मार्केट में पड़ी हुई थी, मैंने ले ली। पहले आपने प्याज डालना है, और प्याज डालने के बाद या इकट्ठा पहले घी डाल लें या प्याज डाल लें, एक ही बात है, ठीक है जी। बट ये तेज़ है, इसको पहले आहिस्ता कर लें। हीटर का नाम है, इस हीटर का नाम है जी इंडक्शन हीटर। तो बस हॉस्टल में इस तरह बनाया जाता है खाना। मेरे पास कोई इतने ज़्यादा वो नहीं है, सामान नहीं है, बट ये जापनीज़ में लिखा हुआ ऑयल, बट ये हलाल है, ठीक है जी। यहाँ पे हलाल ऑयल मिलता है, ठीक है जी। पहले आपने घी इतना डाल लेना है कि आपको आपका जो प्याज है ना वो एक बार भीग जाए इसमें, ठीक है जी। इस जब अब इसको काट लें तेज। ये जी खाना हम बना रहे हैं, जापान में हम मौजूद हैं, और उसमें मौजूद जो डॉर्मेट्री है, डॉर्मेट्री यहाँ पे हॉस्टल को आमतौर पे डॉर्मेट्री कहते हैं, ठीक है जी। तो इसमें ये इंडक्शन चूल्हा है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था पिछली। अब हो गया हीटर, तो इंशाल्लाह इसको करने के बाद हम डालेंगे, इसको लहसुन बोलते हैं जी। हाँ जी, अब हम ये डालते हैं। इसमें मैंने अभी तक घी डाला है और जो लहसुन है वो डाला बस। इसको थोड़ा सा हम करेंगे ब्राउन। ब्राउन करने के बाद हम इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डालेंगे, और इसके बाद हम अपना ये दाल पड़ी हुई है इसको डालेंगे, और फिर हम इसमें पानी डाल के इसको क्लोज कर देंगे। तो इतना सा प्रोसेस है। दाल के बारे में बता दूं कि आपने दाल जो है वो जब निकालनी है ना, तो इसको पानी के साथ साफ़ कर लेना। पहले देख लेना है कि कोई चीज़ तो नहीं है इसमें, कोई कंकर वगैरह तो नहीं है। बाहर ये पैकेट में पैक आती है, पर फिर भी आपने ये देखना है, ठीक है जी। और फिर आपने उतनी देर तक पानी निकालते रहना जब तक पानी आपका वाइट नज़र ना आ जाए। और ये साथ हम भून रहे हैं, ठीक है जी। अभी हमने मिर्च नहीं डाली, डालते हैं मसाला जी। प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है ऑलमोस्ट, थोड़ा थोड़ा। अब हम इसमें ना ये हल्दी है, मिर्च है और नमक है, ये हम डालेंगे। मैंने एक ही चम्मच में ये सारा चम्मच में इकट्ठा किया था, ये मैंने इसको डाल दिया। डालना तो राइट हैंड से चाहिए, बट मेरे हाथ में मोबाइल है, ठीक है जी। इसको थोड़ा भूनते हैं, और फिर जो है हम डालेंगे दाल डालेंगे जी। अब नज़र आ रहा होगा कि ये ना ब्राउन हो गया है, अब हम डालेंगे दाल, ठीक है जी। जी ये हमने दाल जो है वो डाल दी है इसमें। अब हम इसमें पानी डाल के ना इसको ढक देंगे, ठीक है जी। आपने 2 गिलास पानी डालना है, मैंने 1 गिलास जो है वो माप के ये दाल बनाई है, ठीक है जी। अब इसमें ना 1 और गिलास पानी डालेंगे और इसको हीट अप के लिए रख देंगे जी। पानी मैंने डाल दिया है, दूसरा गिलास भी और ये मैंने रख दिया है। अब हम इसको ना थोड़ा इधर देख लेते हैं इसकी स्पीड को, ये 150 है और हम इसको करेंगे 170 पे। हाँ जी, अब इसके बाद हम इसको 2 या 3 बार चेक करेंगे, हिलाएंगे, देख कर के दाल पकी है या नहीं, फिर ये तैयार हो जाएगी। हॉस्टल में ये मामला होते हैं कि सारी चीज़ें आपको अमूमन नहीं आती, पर जो चीज़ें आपके पास होती हैं उनसे आपने कैसे सरवाइव करना है, ये एक छोटा सा इसका डेमो है, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी दाल जो है वो तैयार हो चुकी हुई है, आपके सामने है, बड़ी ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम।